हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस चैनल सुप्रियाज वर्ल्ड में एक बार फिर से स्वागत है। मेरी कविताओं की श्रृंखला कुछ अपने कुछ शब्द पराये में आज मैं मेरी सबसे प्यारी एक सोलमेट की कविता जोड़ने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उनके विषय में कुछ बताना चाहूंगी। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग बैकग्राउंड नॉइस पर ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सोलमेट क्यों कहा, तो जो हमारी सोल को छू जाए वह पर्सन हमारे सोलमेट होते हैं, और सोलमेट कोई भी हो सकते हैं। कोई फीमेल भी हो सकती है और कोई मेल भी हो सकता है। मेरी भी एक सोलमेट है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी सिस्टर की जगह पर मेरे जीवन में आई, पर हमारा साथ कुछ ही समय के लिए रहा। लेकिन हमारा सोल कनेक्शन इतना प्यारा है कि चाहे हम दोनों कहीं भी हों, पर ना तो वो कभी मुझे बर्थडे विश करना भूल पाई और ना ही मैं। जब हम साथ साथ थे तो हम दोनों का एक अलग ही रिश्ता था। हम मिले तो वर्क प्लेस पर थे और उनकी पोस्ट भी मुझसे बहुत ऊपर थी, लेकिन हम दोनों का काम कभी भी हमारे बीच में नहीं आया। इत्तेफाक तो तब हुआ जब मैं उनसे मिली, और जब मैंने उनका नाम जाना तो कि मेरे नाम का लेटर और उनके नाम का लेटर सेम टू सेम है, और हमारा सरनेम भी एक था। और आश्चर्य तो तब हुआ जब मैंने कहीं पर सिग्नेचर किए तो हम दोनों के सिग्नेचर सेम टू सेम थे। हम दोनों खाली समय में बहुत बातें करते थे। उन्हें भी मेरी तरह कविताएं लिखने का शौक है। एक दिन उन्होंने मुझे एक रियल लव स्टोरी सुनाई, जो कि एक डॉन की बेटी और एक गरीब लड़के की कहानी थी, जिसकी एंडिंग बहुत ही पेनफुल थी। पता नहीं क्यों मुझे उस स्टोरी से एक कनेक्शन फील हुआ, कि जैसे मैंने किसी लाइफ में उस स्टोरी को फील किया हो। और मुझे वो स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसे अपनी डायरी में लिख लिया, और उनकी कविताएं इतनी प्यारी थी कि मन करता था उन्हें पढ़ती ही रहूं। मैंने उनसे कविताएं न्यूज़पेपर में शेयर करने को कहा तो उन्होंने मजाक में कह दिया कि दिल की बातें अखबारों में शेयर नहीं की जाती। तो मैंने उनसे कहा कि ये कविता लिखने की कला आपको गॉड गिफ्ट में मिली है, अगर आप ये कविताएं शेयर करेंगी तो शायद और लोग भी आपकी भावनाओं से जुड़ पाएंगे। आप कविताओं में अपना नाम मत लिखिएगा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने उनसे जिद करके उनकी 5 कविताएं नोट कर ली जिन्हें मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को वो स्टोरी भी शेयर करती, लेकिन अफसोस मैंने उसे जिस डायरी में नोट किया था वो डायरी कहीं खो गई। लेकिन जो कविताएं मैंने उनसे ली वो मैं यहाँ शेयर करूंगी। उनकी 5 कविताएं हैं, जिसमें पहली कविता का शीर्षक है सादगी, दूसरी कविता है दिन दिवंगत हुए, तीसरी कविता है तुम्हारी 2 भरी आंखें, और चौथी कविता है पहुंची, और 5वीं कविता है हरे कांच की चूड़ियां। तो सबसे पहली कविता जिसका शीर्षक है सादगी, तो शुरू करते हैं कविता सादगी। बाद रेगिस्तान के एक नदी अच्छी लगी, तितलियों की भीड़ में यूं सादगी अच्छी लगी, और भी रंगत निखरती जा रही है लीजिए, आज पहली बार ये नाराजगी अच्छी लगी। नींद खोई भा रही तन्हाइयां बेचैनियां, रोज बढ़ती जा रही दीवानगी अच्छी लगी, मानते हैं बन गई है आज वो दिल की लगी, एक भूल सी किसी की दिल लगी अच्छी लगी। इस कहानी का भले अंजाम हो कितना बुरा, कनखियों से मुस्कुराती वानगी अच्छी लगी। दूर होकर भी ढूंढती हैं निगाहें लीजिए, उन निगाहों की मुझे ये बात भी अच्छी लगी, कप कपाते होंठ मेरे कह न पाए शर्म से, बिन कहे सब जान ले वो सादगी अच्छी लगी। बाद रेगिस्तान के एक नदी अच्छी लगी,
तितलियों की भीड़ में यूं सादगी अच्छी लगी। थैंक यू।